नमस्कार, आप देख रहे हैं भव्याश्री न्यूज और मैं हूं आपके साथ आदित्य। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि कौन बनेगा करोड़पति सीजन 13, यानी कि केबीसी 2021 का जो पर्सनल इंटरव्यू है वो सबमिट हो चुका है और अब प्रतिभागी के पास फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट राउंड के लिए बुलावा आने वाला है। लेकिन हम आपको यहाँ पे एक ऐसे प्लेटफॉर्म के बारे में बताने वाले हैं जहाँ पे आप पार्टिसिपेट करके करोड़ों रुपया जो है जीत सकते हैं। सेम कौन बनेगा करोड़पति के तरह ही कलर्स टीवी चैनल से एक शो जो है प्रसारित होने जा रहा है। जैसे आप कौन बनेगा करोड़पति में पार्टिसिपेट करते हैं और क्विज शो में आप हिस्सा लेते हैं, वहाँ पे पूछे गए जीके का आप जवाब देते हैं और उस आधार पे वहाँ पे जीतते हैं, ठीक उसी तरीके से एक शो जो है वो कलर्स टीवी चैनल से प्रसारित होने जा रहा है, जिस शो का नाम है द बिग पिक्चर शो। देखिए, पोस्टर हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं और इस शो को होस्ट करने वाले हैं रणवीर सिंह। तो ये भी हम आपको सबसे बड़ी बता दें कि कौन बनेगा करोड़पति को जो है अमिताभ बच्चन के द्वारा होस्ट किया जाता है, लेकिन ये जो शो कलर्स टीवी चैनल से टेलीकास्ट होने वाला है, इस शो का नाम है द बिग पिक्चर शो और इस शो को होस्ट करने वाले हैं रणवीर सिंह। और साथ ही साथ हम आपको ये भी बता दें कि ये शो जो है वो सलमान खान के द्वारा प्रोड्यूस किया जाएगा। इसमें फॉर्मेट सेम ही होगा, जैसे कौन बनेगा करोड़पति पे आप पार्टिसिपेट करते हैं और वहाँ पे पूछे गए सवाल का आप जवाब देकर करोड़ों रुपया जीतते हैं, ठीक उसी तरीके से आप द बिग पिक्चर शो में भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं और यहाँ पे जो सवाल पूछा जाएगा यहाँ भी आप जवाब देकर करोड़ रुपया जीत सकते हैं। फॉर्मेट दोनों का सेम ही होगा, इस मंच पे भी आप करोड़ रुपया जीत सकते हैं, लेकिन फ़र्क क्या होने वाला ये सिर्फ फ़र्क आप समझ लीजिए। लेकिन इस वीडियो में खास हम यही आपको बताने आए हैं कि काफ़ी सारे ऐसे प्रतिभागी हैं जो इस सीजन केबीसी में पार्टिसिपेट किए हुए थे लेकिन किसी कारण से उनका सिलेक्शन जो है नहीं हो पाया है। तो आपके लिए एक और प्लेटफॉर्म जो है तैयार हो चुका है जो कि कलर्स टीवी चैनल पे है। ये द बिग पिक्चर शो में आप रजिस्ट्रेशन घर बैठे जो है कर सकते हैं और साथ ही साथ रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप इस मंच से भी करोड़ रुपया जीत सकते हैं। यहां पर भी आपको मंच पे ही आमंत्रित किया जाएगा, यहां पर भी ऑनलाइन नहीं होने वाला है। जैसे आप कौन बनेगा करोड़पति में रजिस्ट्रेशन और ऑनलाइन का जो प्रक्रिया है वो मोबाइल से दिए थे, बाकी आप फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट राउंड मुंबई आकर खेलेंगे, सेम यही प्रक्रिया जो होने वाला है द बिग पिक्चर शो में भी होने वाला है। आपको मुंबई ही आना पड़ेगा और यहां पर भी इस शो में क्विज गेम शो चलाया जाएगा जिसमें आप पार्टिसिपेट करेंगे और करोड़ों रुपया जीत लेंगे। दोनों शो में फर्क क्या होने वाला है वो हम आपको बता देते हैं। कौन बनेगा करोड़पति एक तरफ और दूसरी तरफ द बिग पिक्चर शो, एक तरफ महानायक अमिताभ बच्चन होस्ट करने वाले हैं और दूसरी तरफ जो है वो रणवीर सिंह होस्ट करने वाले हैं। दोनों शो में फर्क सिर्फ ये होगा कि कौन बनेगा करोड़पति में आपसे जनरल नॉलेज भी पूछा जाता है, इमेज भी दिखाकर उससे भी जवाब आपसे पूछा जाता है, या फिर ऑडियो सुनाकर उसको आपको जवाब देना होता है, या फिर वीडियो दिखाया जाता है और उसका जवाब आपको देना पड़ता है। लेकिन द बिग पिक्चर शो में ये होगा कि आपसे कोई भी जनरल नॉलेज नहीं पूछा जाएगा, आपसे सिर्फ और सिर्फ एक इमेज दिखाया जाएगा और उस इमेज में चार ऑप्शन आपको मिलेगा और आपको वहाँ पे सही जवाब देना पड़ेगा। यानी कि यहाँ पे सीधा सीधी आप समझ लीजिए कि द बिग पिक्चर शो में सिर्फ और सिर्फ आपको इमेज का जवाब देना है, जितना भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा वो सारा क्वेश्चन जो है इमेज के तर्ज पे होगा, यानी कि पिक्चर के तर्ज पे होगा। बारी बारी से आप जैसे जैसे रकम आप आगे की ओर जीतते जाएंगे, हर सवाल पे आपसे एक नया फोटो जो है आपको दिखाया जाएगा और उस फोटो को देखकर आपको चार दिए गए विकल्प में से आपको एक सही जवाब देना होगा। और उस तरीके से सेम जैसे आप कौन बनेगा करोड़पति पे जो है जीतते हैं, ठीक उसी तरीके से जो है यहाँ पे द बिग पिक्चर शो में भी आप जीत सकते हैं। लेकिन अब फॉर्मेट क्या होगा केबीसी का, जो फॉर्मेट आप जानते हैं कि वहाँ पे चार लाइफलाइन आपको मिलता है, अब इस शो में चार लाइफलाइन मिलने वाला है या फिर नहीं मिलने वाला है, साथ ही साथ इसका जो रजिस्ट्रेशन है द बिग पिक्चर शो का वो कब से आरंभ होने वाला है, प्रतिभागी आखिर इसमें कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हैं, वो सारा प्रक्रिया पर जो है एक ऑलरेडी हम वीडियो बनाने वाले हैं और उस वीडियो को बनाकर कल जो है अपने चैनल पे हम अपलोड कर देंगे, जिसमें सारे प्रतिभागी को हम बताएंगे चाहे आप कौन बनेगा करोड़पति में इस बार जो है आपका डिस्कनेक्ट हो गया है, आप यहाँ पर पार्टिसिपेट नहीं कर पाए हैं, या फिर आप वैसे प्रतिभागी हैं जो केबीसी में इस बार हिस्सा नहीं लिए थे, अगर आप चाहते हैं कि द बिग पिक्चर शो में पार्टिसिपेट करना तो आप कैसे पार्टिसिपेट कर पाएंगे अपने
अपने घर बैठे, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, घर बैठे मोबाइल से जो है आपको पार्टिसिपेट करना है। और उसके बाद आखिरी जब बुलावा आपको आएगा तो उस समय आपको मुंबई पहुंचना पड़ेगा। लेकिन सारा प्रोसेस जो है उस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिर मोबाइल पे कहाँ से जो है आप रजिस्ट्रेशन करने वाले हैं, रजिस्ट्रेशन कब से आरंभ होने वाला है, आखिर रजिस्ट्रेशन के दौरान किस किस प्रक्रिया से होकर आपको गुजरना पड़ेगा, ये सब सारा अपडेट जो है कल के वीडियो में आपको देखने को मिल जाएगा। लेकिन इस वीडियो में हम यही बताने वाले थे कि काफ़ी सारे इस चैनल के ऐसे व्यूवर्स हैं जो कौन बनेगा करोड़पति में काफ़ी ज़्यादा इस साल मेहनत किए हुए थे, और जब उनका सिलेक्शन नहीं हुआ तो वो काफ़ी मायूस हो गए थे और अगले सीजन का वो इंतज़ार कर रहे थे। या फिर कुछ ऐसे भी प्रतिभागी हैं जो ये सोचकर फिर से इस सीजन को देखने वाले हैं कि केबीसी प्ले एलोंग में वो पार्टिसिपेट करेंगे, और केबीसी प्ले एलोंग में पार्टिसिपेट करने के बाद जो है वो वहाँ से 1,00,000 रुपया जीतेंगे। ये भी सोचकर काफ़ी सारे ऐसे प्रतिभागी हैं जो बैठे हुए हैं। तो वैसे प्रतिभागी के लिए आप लोग जनरल नॉलेज ऐसे भी जानते ही हैं, तो बस आप ही के लिए एक शो आ रहा है जिसका नाम है द बिग पिक्चर शो। इसमें फ़र्क सिर्फ इतना ही होगा, आपके पास जितना इमेज की जानकारी है, दुनिया की जितनी सारी चीज़ें हैं, वो सारे चीज़ का कोई भी एक इमेज जो है आपको दिखाया जाएगा। और बारी बारी से इतना ही समझ लीजिए कि कौन बनेगा करोड़पति में आपसे जो है जनरल नॉलेज पूछा जाता है, और वहाँ पे जनरल नॉलेज क्या होता है, कैटेगरी वाइज जो है वहाँ पे डिवाइड होता है। जैसे आप देखते हैं कि जीके का जो है वहाँ पे भी कैटेगरी होता है, जैसे कभी अध्यात्म से आपसे पूछ दिया जाएगा, कभी पॉलिटिक्स से पूछा जाएगा, इस तरीके से वहाँ पे जो है डिवाइड किया हुआ है। कभी हिस्ट्री से पूछा जाएगा तो कभी ज्योग्राफी से पूछा जाएगा, इस तरीके से सीधा सीधी मतलब समझिए कि क्विज शो कौन बनेगा करोड़पति तो है ही है, लेकिन उसमें भी कैटेगरी वाइज डिवाइड है कि आपको हर कैटेगरी से जवाब वहाँ पर देना होता है। ठीक उसी तरीके से एक इमेज भी आपको दिखाया जाता है, उसका भी जवाब देना होता है। लेकिन द बिग पिक्चर शो में आपको बेनिफिट ये मिलने वाला है कि आपके पास जीके का नॉलेज हो या फिर ना हो, लेकिन दुनिया में कितनी सारी चीज़ें हैं जिसको आप जानते हैं, अगर ये ज्ञान आपके पास है, इतना अगर नॉलेज आपके पास है, तो बिल्कुल आप कलर्स टीवी के इस शो पे जिसका नाम है द बिग पिक्चर शो, इसमें आप पार्टिसिपेट करके अच्छा खासा रकम जो है आप यहाँ पर जीत सकते हैं। तो दोनों का फॉर्मेट सेम ही है, यहाँ पे भी करोड़ों रुपया आप जीत सकते हैं, लेकिन अभी यहाँ पे चूंकि ये नया एपिसोड स्टार्ट हो रहा है तो अभी पूरा इसका जो है अपडेट अभी नहीं हो पाया है, और साथ ही साथ कितना करोड़ तक ये जो है चलने वाला है, प्रतिभागी कैसे कैसे आगे की ओर बढ़ेंगे, क्या इसमें प्रतिभागी को लाइफलाइन का मौका दिया जाएगा या फिर नहीं दिया जाएगा, क्योंकि आप केबीसी में जानते हैं कि आपको 4 मौका मिल जाता है और 4 मौका का इस्तेमाल करके प्रतिभागी जो है काफ़ी ऊपर तक बढ़ जाते हैं, लेकिन द बिग पिक्चर शो में आपको 4 लाइफलाइन दिया जाता है या फिर नहीं दिया जाता है। साथ ही साथ प्रतिभागी कहाँ तक उसमें चल पाएंगे, चूंकि ये नया एक फॉर्मेट है, नया फॉर्मेट पे इस शो को जो है स्टार्ट किया जा रहा है, क्योंकि इस तरीके का क्विज शो काफ़ी सारा चला है, ऐसा नहीं कि ये पहला शो है, लेकिन इसका एक फॉर्मेट अलग है कि इसमें सिर्फ और सिर्फ आपको इमेज ही दिखाया जाएगा, आपसे सिर्फ पिक्चर दिखा के उससे जवाब पूछा जाएगा, 4 ऑप्शन दिया जाएगा और चारों जवाब में से कोई एक सबमिट करना है। तो बस इस वीडियो को हम यहीं पे स्टॉप करते हैं, और आखिर कैसे पार्टिसिपेट उस शो में आप कर पाएंगे, इसका रजिस्ट्रेशन कब से होने वाला है, रजिस्ट्रेशन आप मोबाइल पे करना चाहेंगे तो कैसे कर सकेंगे, ये सारा अपडेट जो है कल के वीडियो में आपको मिल जाएगा। तो कल वाले वीडियो का आप इंतजार कीजिएगा जिसमें हम स्पष्ट लिखे हुए रहेंगे कि हाउ टू पार्टिसिपेट इन द बिग पिक्चर शो।